हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं घी की रेसिपी, और इस रेसिपी में लाने वाली हूं थोड़ा सा ट्विस्ट। तो इसे मैं बनाने वाली हूं दही के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की फुल लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो घिया ले लिया है, जिसको कि काट लिया है धो करके। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, जिन्हें बीच में से काट लिया है। जिंजर गार्लिक, जिसको पील कर लिया है। 1 प्याज है, जिसे बारीक काट लिया है। दही 1 कटोरी। क्यूमिन सीड्स, जीरा 1 टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर और ये टर्मरिक हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर थोड़ी सी। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैंने यहाँ 1 टीस्पून लिया है। और चुटकी भर हींग। तो मैंने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रख दी है और इसमें तेल डाल रही हूँ, और तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स जीरा डाल रही हूँ, और कटे हुए प्याज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। पेस्ट मैंने ज़्यादा पेस्ट नहीं किया, थोड़ा दरदरा ही रखा है, क्योंकि दरदरा जो होता है उसका टेस्ट काफ़ी टेस्टी लगता है। अब प्याज सुनहरा ब्राउन हो चुका है, इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ हरी मिर्चें कटी हुई, और जो चुटकी भर हींग लिया था उसको ऐड कर दिया है। टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और ये कटी हुई घिया, नमक, और इन सबको आपस में मिक्स कर देना है। तो अच्छी तरह से मसाले के अंदर सब्जी को मिक्स कर लेना है, घिया को, और अब इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर रख देना है। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारी जो घिया की सब्जी है वो आधी पक चुकी है, और अब मैं इसे 4 मिनट के लिए और कुक होने दूंगी। तो 4 मिनट हो चुके हैं, अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो घिया है वो, उसे हम चेक करने के लिए इस तरीके से हम इसे हल्का सा कट करके देखेंगे इसका एक पीस को। अगर आसानी से कट हो जाता है तो इसका मतलब घिया जो है वो पक चुका है। तो इसको पकने के लिए 8 से 10 मिनट लगे हैं। तो ये जो थोड़ी सी कटोरी मैंने सब्जी निकाली है, इसे आप रोटी या चावल के साथ ऐसे खा सकते हैं, घिया बन गया है। लेकिन अब मैं ट्विस्ट ला रही हूँ, तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 कटोरी दही, और इस दही को आपस में मिक्स करना है घिये के साथ। और इसको दही डालते ही इस घिये का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये घिया खा रहे हैं, इतना डिफरेंट टेस्ट हो जाता है सिर्फ एक दही मिलाने से। अब इसे कवर करके मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ 2 उबाले दिलाने हैं। तो 2 मिनट के बाद ये 2 उबाले आ चुके हैं। अब वाह, क्या रेसिपी बनकर तैयार हुई है घी की, आप ज़रूर ट्राई करके देखना, बेहद टेस्टी लगती है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये घिया खा रहे हैं। तो जिनको घिया पसंद नहीं है वो इस तरीके से बना करके खाएंगे तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है। तो अगर पसंद आई है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कर दें मेरी वीडियोस को, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो है उसे आप मिस ना कर सकें, क्योंकि ऐसी ही और भी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।